दोस्तों, क्या आप जानते हैं 100 ग्राम पालक में कैलोरी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा 100 ग्राम पालक में कैलोरी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है। चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, पालक में कैलोरी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्व होते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दोस्तों, अगर आप फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है 100 ग्राम पालक में कैलोरी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है। चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, 100 ग्राम पालक में जो कैलोरी की मात्रा होती है वो 23 कैलोरी होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं 100 ग्राम पालक में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों, 100 ग्राम पालक में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 2.86 ग्राम होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं 100 ग्राम पालक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है। 100 ग्राम पालक में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो 3.63 ग्राम होती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप खुश रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।